आप शुरू कीजिए। जी सर, गुड मॉर्निंग टू। आज मैं शार्क पर डिस्कस करूंगा। मुझे टॉपिक मिला है शार्क। पहले हम इसके बारे में जानेंगे, ये क्या है। शार्क एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसको हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, और इसके मेंबर स्टेट्स हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, जिसको मतलब अफगानिस्तान बाद में जोड़ा गया इसमें। और इसका मुख्य उद्देश्य है इसका मतलब जो दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए कार्य करना एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रयास करना। और इसमें मतलब सार्क के चार्टर में 10 धाराएं दी गई हैं, जिनमें से मैं कुछ पॉइंट्स डिस्क्राइब करूंगा, जिसमें मतलब पहला पॉइंट है इसका दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की सामूहिक आत्मनिर्भरता का बढ़ावा देना। और इसका सेकंड पॉइंट है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ विकास के गति को प्रदान बढ़ावा मतलब गति प्रदान करना है। और इसका तीसरा पॉइंट है संगठन के सदस्य राष्ट्रों में आपसी विश्वास एवं समझदारी को बढ़ावा तथा एक दूसरे की समस्या को भली भांति समझना और अन्य विकासशील देशों के साथ रचनात्मक सहयोग करना। और इसका मतलब जो फर्स्ट समिट हुई थी वो ढाका में ही हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। और इसके 10 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान एक्स्ट्रा मतलब जो और भी कंट्रीज हैं, जो जिसका मतलब मटेरियल जो मैंने प्रिपेयर किया है मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। और ये सार्क अपने मतलब वर्ल्ड के एरिया का 3% कंप्राइज करता है, और 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन कंप्राइज होती है इसमें सार्क कंट्रीज में। और इसका दूसरा शिखर सम्मेलन 1986 में बेंगलोर में हुआ था इंडिया में, और इसका भी 19वां शायद अफगानिस्तान में होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शायद कैंसिल कर दिया गया था। बोलिए। बाकी बस मैं इस पे इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी सब मैं ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा इसका जो मैंने मटेरियल प्रिपेयर किया जी है। जी ठीक है, आपने बहुत अच्छे से कुछ पॉइंट मेंशन किए और थोड़ा मतलब फैक्ट भी इसमें आपने बताया। अच्छा, आप क्वेश्चन इसमें आपसे ये है, आपने जैसे मेंशन किया कि अफगानिस्तान इसमें बाद में जुड़ा इसके साथ में, तो मैं जानना चाहूंगा वो किस वार्षिक शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान जुड़ा था इसके। ये जो सार्क की स्थापना हुई थी ये ढाका में हुई थी 8 दिसंबर 1985 में, और लेकिन इसका जो सेक्रेटरेट है वो काठमांडू नेपाल में है। जी सर, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था, बाकी अब आगे आप अच्छा, कंटिन्यू आप करिए। ये मेंशन कर दीजिए ये किस ईयर में हुआ था, ये सचिवालय की स्थापना किस ईयर में हुई थी जो काठमांडू में आप बता रहे हैं, ये मेंशन कर दीजिए। नहीं, एक मिनट सर, इसकी वजह से डेट तो मैंने अभी मतलब ईयर बता दीजिए, डेट में बहुत ज्यादा हम लोग। व्यापार संगठन जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, और ये जो WTO बनाया गया था उससे पहले एक गैट नाम की संगठन था उसको प्रतिस्थापित करके इसको लाया गया। तो जो गैट के सदस्य थे उनके बीच 8 वार्ता हुई, तो ये जो आया WTO वो 8वीं वार्ता में उरुग्वे उरुग्वे वार्ता के दौरान इसको लाया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, और जो इंडिया है उसका गैट का भी संस्थापक देश था, देन इसका WTO का भी इंडिया संस्थापक देश है। तो ये क्यों लाया गया, WTO क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और बस जीवन स्तर में वृद्धि करना और सतत विकास के अवधारणा को स्वीकार करना, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, ये इसका जो उद्देश्य था। और उसके जो कार्य थे WTO के जो कार्य हैं वो है सदस्य देशों के बीच व्यापार के विवादों का एंड जो विकासशील देश है तकनीकी सहायता और उनको प्रशिक्षण प्रोवाइड करना है, सदस्य
सदस्य देशों की जो व्यापार नीतियां हैं उनकी निगरानी करना है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करके, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इसके साथ सहयोग करके इनको तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रोवाइड करना है इसका। और जो इसका जो WTO है वो एक तो वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट जारी करता है, एक वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट जारी करता है, विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करता है। इसके जो सदस्य देश है वो 164 इसके सदस्य देश है, और अफगानिस्तान इसके बाद में ही ऐड हुआ है, सबसे लास्ट में अफगानिस्तान इसमें ऐड हुआ है। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्वतंत्र निकाय है, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक की तरह ये UN की एक एजेंसी की तरह नहीं है, ये एक स्वतंत्र निकाय है अपना। और इसका जो यही है, इसमें मंत्री स्तरीय बैठक होती है, इसमें जनरल काउंसिल की बैठक होती है इसमें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और जो इसकी जो अभी जो लास्ट बैठक हुई है वो 2020 में हुई है इसकी, अब 12वीं बैठक हुई है इसकी, कजाकिस्तान में रूस संसद में इसकी बैठक हुई थी। जी 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 जी, आपने सही मेंशन किया है एकदम। और ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट भी आपने बताया कि ये एक स्वतंत्र एजेंसी है, ये भी अच्छा बताया आपने, थोड़ा स्टडी के साथ में बताया। अच्छा ये बता दीजिए, आपने मेंशन किया था अफगानिस्तान इसमें बाद में नवीनतम सदस्य देश के रूप में है, ये मतलब इसका कौन सा नंबर है, किस नंबर का जुड़ा है, कितने देश हो गए हैं इसमें WTO में? अभी इसमें जो 64वां जोड़ा है वो यही जोड़ा है, 164। जी जी जी, आपने एकदम ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बताया आपने। और ये 2016 में जोड़ा गया है, ये अफगानिस्तान 2016 में जोड़ा गया है। जी जी जी, ठीक है ठीक है, आपने एकदम सही से मेंशन किया है। अच्छा ये बता दीजिए, WTO की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, उनका नाम बता देंगे? ये WTO की जो पहली महिला अध्यक्ष जो अभी बनाई गई है 2020 में, ये जो बनाई गई है ये नाइजीरिया की है, एंगोजी ओकोंजा इवेला नाइजीरिया की है। ये अफ्रीका की पहली महिला बनाई गई है, ये 25 वर्षों के इतिहास में ये पहली महिला बनाई गई। जी आपने ये पॉइंट बहुत अच्छे से मतलब पकड़ा है, मैंने ये थी लगा के किया था कि आप थोड़ा और पीछे जाएं, लेकिन आपने एकदम सही पकड़ा है कि ये अभी भी है वर्तमान में, तो एकदम ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो और इसमें नेक्स्ट फिर ये हैं, निकेतन भाई आप बोलिए, फिर आप हैं इसमें। जी निकेतन भाई आवाज आ रही है? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी 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 आ रही है, आ रही भी आ रही है। Yes, आज मुझे टॉपिक मिला है WHO, ठीक है, वैसे I have prepared already in English, but मैं ट्राई करूंगा कि मैं bilingual इसे बोल सकूं। WHO जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि WHO है क्या। जैसे कि बेसिकली आपने कई बार इसका नाम सुना होगा WHO का, और अगर करंटली हम दो ईयर अभी प्रीवियस टू ईयर्स की बात करें तो सुनते ही आ रहे हैं WHO ड्यू टू COVID-19, ठीक है। तो WHO की सबसे पहले अगर हम बात करें कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और इसी दिन के हिसाब से इसकी वर्षगांठ बनाई जाती है, यानी एनुअली डे के हिसाब से हम एक डे भी बनाते हैं जिसे हम हेल्थ डे भी कहते हैं। अभी आपने 7 अप्रैल को बनाया भी होगा वर्ल्ड हेल्थ डे, तो उस हिसाब पर आप बात करें कि WHO डिटेल में है क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसकी स्थापना आपने पता कर ली, स्थापना के साथ साथ दुनिया भर में से कुल टोटल 194 देश हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, और इसकी और ये एक यूनिट है आपके जिसे हम UNO कहते हैं, यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिट है जो जिसे हम WHO की फॉर्म में देख रहे हैं। और पार्टिकुलर जो WHO का कार्यालय है वो आपके जिनेवा में है जो स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 194 देश है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसके साथ साथ इससे 150 देश और जुड़े हुए हैं जिनके अपने कार्यालय होने के साथ साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और ये एक अंतर सरकारी संगठन, हिंदी में थोड़ी मतलब बता रहा हूँ, कोशिश करो, अंतर सरकारी संगठन है, और इसे सामान्यतः अपने सदस्य स्पष्टों के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से भी कार्य करता है।
अब पार्टिकुलरली ये देख लेंगे कि इसके उद्देश्य और क्या है, इसके उद्देश्य क्या है यानी इसके कार्य क्या है, करता क्या है पार्टिकुलरली। ये इंटरनेशनल जो हेल्थ एजेंसीज होती हैं आपके, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी जो एजेंसियां हैं उनके कार्यों पर निर्देशक करेगा और उनके साथ साथ प्राधिकरण में कार्य करेगा। उसके साथ सरकारी एजेंसियां हैं, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, सारी पेशेवर समूह, उन सभी संगठनों के साथ मिलकर ये प्रभावी सहयोग स्थापित करता है। अब हम यहाँ एक पॉइंट और देख लेंगे, WHO और भारत और उसके साथ वैश्वीकरण के साथ मैं अपने पॉइंट को कंटिन्यू करूंगा। अगर मैं भारत की बात करूं तो इंडिया 12 जनवरी वैसे तो आपको पता है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, लेकिन भारत WHO से कब जुड़ा, 12 जनवरी 1948 को भारत इससे जुड़ा था। और दक्षिण WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, नहीं सॉरी फॉर दैट, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। थैंक यू सो मच भैया। अब भारत में WHO द्वारा कुछ कुछ संबंधित प्रयास किए गए, उनको बताने की कोशिश करूंगा, जिसमें से मैंने दो बेसिक उठा लिए हैं, दो मैंने उसमें से बेसिक उठा लिए, एक स्मॉल पॉक्स, एक स्मॉल पॉक्स और एक पोलियो। अगर स्मॉल पॉक्स की बात करें, 1967 में भारत ने कुल, भारत की जो आबादी थी उसमें 65% लोग थे, 65% लोगों को स्मॉल पॉक्स डिजीज हुई थी, जिसमें से प्रति वर्ष हर साल अगर हम देखें तो 26,225 लोगों की मृत्यु होती है, जिसमें 1967 में WHO ने एक ISEP करके एक तरीके से आप समझ सकते हैं एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें वो स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल कर रहा है। अब देखा वैक्सीनेशन भी होता है इसका, उसके साथ साथ पोलियो भी है। ये 2012 में अभियान चलाया था, बिल गेट्स वगैरह बहुत सारे थे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है अभी इतना। वैश्विक स्वास्थ्य चिंताएं वो विज्ञान स्वास्थ्य चिंताएं देख लेंगे इसके, जिसके कॉमनली है सबसे पहला एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेटिकल चेंजेस, यानी कि जैसे हिंदी में हम वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन कहेंगे, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी बीमारियां आजकल हो रही है। पूरे देश में अगर हम देखें 10 में से 9 लोग वायु जो प्रदूषित वायु है उसमें सांस लेते हैं, और जिसके कारण प्रति वर्ष 7 मिलियन से ज्यादा लोग मारे जाते हैं एयर पॉल्यूशन की डिजीज की वजह से। उसके साथ साथ WHO ने एक प्रेडिक्शन भी किया है, अपना प्रेडिक्शन उसका क्या है कि 2013 से 2050 तक, यानी 2030 से 2050 तक के दौरान क्लाइमेटिक चेंज जो है जलवायु परिवर्तन के द्वारा प्रति वर्ष कुपोषण है, मलेरिया है, डायरिया है, आपके हार्ट स्पैम के अलावा 2,50,000 से अतिरिक्त मौतें होने की पूरी संभावना है अगर हमने एयर पॉल्यूशन और क्लाइमेटिक जो परिवर्तन है, क्लाइमेटिक चेंज है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इसके साथ लास्ट और मैं आपको बता दे रहा हूँ, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी हैं आपके, जिन्हें हम गैर संक्रामित कुछ कहते हैं हिंदी में, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को, जिसमें आपके कॉमनली कुछ एग्जाम्पल्स हैं मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग। विश्व में कुल मौतें 70% से ज्यादा इन्हीं डिसीजेस की वजह से हो रही हैं, और अधिक से अधिक मैं बात करूं 41 मिलियन लोगों की मृत्यु सामूहिक रूप से इसी से जिम्मेदार है। और WHO का लास्ट पॉइंट और बता रहा हूँ, WHO के पास एक स्कीम होती है, जितने भी सिटीजन है आपके पार्टिकुलर, पूरी अगर मैं पार्टिकुलर विश्व लेवल पर बात करूँ या कंट्री लेवल पर बात करूँ, सभी सिटीजन का हमारा एक इंश्योरेंस होता है WHO के पास, जिसमें 1,50,348 समथिंग इतने अमाउंट का पार्टिकुलर पर्सन का एक आपके इंश्योरेंस होता है। कभी एक महामारी आ जाती है, जैसे अभी करंट में आई है कोविड, मान लीजिए मुझे कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, मुझे सारी फैसिलिटीज दी जा रही है, वो जो आपका पार्टिकुलर अमाउंट था जो हमारा इंश्योरेंस हुआ था वो अमाउंट हमारा यूज होता है। इसीलिए सारी की सारी चीजों में आप देख रहे होंगे, सारी रिपोर्ट, सारी एनालिसिस पढ़ रहे हैं आप सब में WHO कंक्लूडेबल है। सो दैट वाज माय छोटा सा मेरा सिनॉप्सिस था, अब आप लोग चाहे तो रिव्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं आपने मतलब वैसे तो सभी को मतलब सब जितने भी पार्टिसिपेंट हैं बहुत कम टाइम में बिल्कुल लास्ट में जाके बताया था, तो फिर भी 10 बजे के बाद ही टॉपिक भी मिल पाया था आप लोगों को, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे से एकदम पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया है। तो भाई इसमें मैं जानना चाहूंगा कि ये जो मतलब WHO है इसकी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन है? कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, सॉरी भैया मुझे अभी आइडिया नहीं है। चलो चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन है अपने यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो है इस समय अभी जल्दी में नहीं। अच्छा आपको ऐसे करके पूछ रहे थे ना कार्यकारी अध्यक्ष, तो मतलब वो बता रहा हूँ ना, मुझे मतलब हिंदी वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, मैं थोड़ी सी अपनी सही कर लूंगा। हाँ मैंने भी बाइलिंग वाली प्रिपेयर किया था मैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच भैया, बट मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। चलो लेकिन फिर भी आपने ये चेचक वाला और पोलियो वाला मतलब ये अच्छे से पॉइंट मेंशन किए, और इसका भारत में भी मतलब अच्छे से बताया कि कार्यालय भी है इसका यहाँ पे और कब भारत इसके साथ में जुड़ा, मतलब एक एक पॉइंट आपने मतलब बहुत अच्छे से
एकदम मतलब परफेक्ट तरह से बहुत कम समय में तैयार किया है सभी ने, लेकिन बहुत अच्छे से पॉइंट भी मेंशन किए हैं, बोला भी है, तो इसके लिए मतलब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे ख्याल से और बाकी हमारे साथ में जो लिस्ट में है उनमें से नहीं है, तो मैं ही बताऊं, मैं थोड़ा अपना कार्ड एक्सचेंज कर देता हूं। आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको याद आए तो बताइएगा, अगर संभव होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। भैया मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मैंने जो मतलब मैटर प्रिपेयर किया है वो इंग्लिश में किया है, तो उसको बाइलिंगुअल करके डालूं ग्रुप में? नहीं नहीं नहीं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप, बहुत ज्यादा मेहनत मत कीजिए कि मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं उसे, जो इंग्लिश में है तो डाल दीजिए, सब लोग समझते भी हैं। कुछ लोगों को क्या है ना, परफेक्ट बोल नहीं पाते, लेकिन समझते तो सब लोग हैं, जो हिंदी वाले हैं वो समझ तो जाते हैं। ठीक, अच्छा मैं अपना बता देता हूँ, मेरा जो टॉपिक है वो एडीबी है, एशियन विकास बैंक। तो मैं एशियन विकास बैंक की अगर बात करूंगा तो इसकी एडीबी की स्थापना 31 सदस्य देशों के साथ में 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। हालांकि वर्तमान में एडीबी के 68 सदस्य देश हैं, और इसमें एक प्रीवियस ईयर में आईएस में जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये आया था कि इसमें जो 68 सदस्य हैं इसमें एशिया से कितने हैं, तो मैं मेंशन कर देता हूँ, इसमें एशिया से 49 एशिया से हैं जो सदस्य देश हैं, और बाकी के 19 देश एशिया से बाहरी हैं। ठीक है, एडीबी का प्रारूप काफी हद तक विश्व बैंक के आधार पर बनाया गया था, और विश्व बैंक के समान यहाँ भी भारत प्रणाली की व्यवस्था है, जिसमें वोटों का वितरण सदस्यों की पूंजी अभिधान अनुपात, मतलब जैसे उनकी कैपिटल है उसी के अनुपात पर शेयर किया जाता है, इसीलिए एडीबी को एशिया का विश्व बैंक भी कहा जाता है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, मैं बता देता हूँ, मसत्सुगु आसाकावा हैं जो जापान के हैं, और इसके जो उपाध्यक्ष हैं मैं उनको स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, वो भारत के हैं, उनका नाम अशोक लवासा है। और एडीबी के अगर प्रथम जापान मतलब प्रथम अध्यक्ष की बात करूँ मैं, तो वो जापान के ताकेशी बातानबे थे, और एडीबी का जो अंतिम सदस्य देश जो जुड़ा है वो न्यू है। और एडीबी के अगर शेयर वितरण में बात करूंगा तो इसमें भारत चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है, जो कि 6.42% है, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा सबसे बड़ा शेयर धारक है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट तो यूएसए है और सेकंड जापान है। और इससे जुड़े हुए मैं करंट के दो तीन मतलब पॉइंट और आपको बता दूंगा, जो बिल्कुल करंट के हैं, इसी 2021 के हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ, जिस तरफ से मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया था, और एडीबी द्वारा जारी एशियाई विकास आउटलुक 2021 के अनुसार, ये रिपोर्ट है जो एडीबी जारी करता है, इसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 11% बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। और हाल ही में एडीबी ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए $484 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ये इसमें थोड़ा करंट का था, बाकी ये पुराना मैंने थोड़ा बैकग्राउंड भी इसका टच किया। और ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, किसी को अगर कुछ याद आ रहा हो तो मैं कोशिश करूंगा। सिमिलर है बर्ड